दोस्तों, आपके अपने चैनल बीजेएल जीनियस में आपका स्वागत है। चलिए, आज हम नवोदय विद्यालय में पूछे जाने वाले मानसिक योग्यता परीक्षण के लेसन एक समानता क्या है। दोस्तों, समानता इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? एनालॉजी को आज हम पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो पार्ट वन हो चुका है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक हो चुका है। अब हम आज पार्ट टू देखेंगे, पार्ट टू। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देर न करते हुए, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 से हम समानता के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक वर्ग, एक वर्ग बना हुआ है और चारों कोनों पे एक एक छोटा छोटा गोला है। तो अगली आकृति क्या है बच्चों? इसमें क्या था, चार भुजा थी वर्ग में, तो इसमें कितनी भुजा हो जाएंगी बच्चों? पांच भुजा हो गई है और पांच कोने हैं, सब कोनों पे एक छोटा छोटा गोला बना हुआ है। देखिए बच्चों, हमको दिया हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया हुआ है कितने कि पांच भुजा है और पांच कोना है, सब कोनों पे एक एक गोला बना हुआ है। तो अगली आकृति क्या होगी? तो इसमें चार था बच्चों, तो पांच हो गया, तो इसमें पांच है तो कितना हो जाएगा, छ हो जाएगा। ऐसे करके बच्चों देखिए, ऐसे तो छ कितना हो जाएगा, छ कोना। देखिए एक कोना यहाँ पे, एक दो तीन चार पाँच छ। देखिए बच्चों, इस टाइप की कौन सी आकृति है? आकृति नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 17 यही है हमारा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होता है बच्चों इसमें, क्वेश्चन नंबर 17 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो चलिए देखिए क्या है बच्चों, एक त्रिभुज बना है और तीनों तीनों कोनों से एक एक रेखाएं खींची गई हैं, जो कि एक बिंदु पर प्रक्षेपित कर रही है। तीन भुजा थी बच्चों, त्रिभुज था, तो क्या हो गया, चतुर्भुज। और देखिए बच्चों, यहाँ तीन रेखा थी, यहाँ पे कितना हो गया, चार रेखा हो गई। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे पंचभुज, चार था तो कितना हो जाएगा, पांच भुजा, एक भुजा बढ़ जाएगी, तो क्या बन जाएगा, पंचभुज। ऐसे अब कितनी रेखाएं खींची जाएंगे बच्चों, पांच रेखाएं, चाहे जैसे भी पांच रेखाएं खींच दीजिए। देखिए चार हो गई और एक, ऐसे कैसे भी खींच सकते हैं, पांच रेखा इसमें देखिए बच्चों, पांच रेखा है और ये पंचभुज, इसमें देखिए छह रेखा हो गई, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 है, अब आपको बताना है बच्चों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, एक इस तरह की एक तीर बना हुआ है और यहाँ से एक तीर निकला हुआ है उसी में से, तो यहाँ पे क्या रख दीजिए बच्चों, मिरर रख दीजिए, ऐसे करके एक मिरर रख दीजिए। अब इसका जो इमेज बनेगा बच्चों, देखिए ऐसे बन जाएगा, तो क्या बना है बच्चों, ये मिरर इमेज है, इसका ये मिरर इमेज है। तो अब इसका मिरर इमेज कैसे हो जाएगा बच्चों, नाव का मिरर इमेज कैसे हो जाएगा, तो आपको बताना है नाव का मिरर इमेज कैसे होगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। देखिए अब नाव है,
अब यहाँ पे एक मिरर रख देंगे। अब नौ का मिरर इमेज कैसे हो जाएगा बच्चों, ए वाला पोर्शन तो यहीं पे रहेगा, ए वाला इधर आ जाएगा, तो इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, ऐसे करके ऐसे। तो देखिए बच्चों, इस टाइप का कौन सा ऑप्शन हमको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए बच्चों क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है और इसका क्या है बच्चों, ये मिरर इमेज। देखिए यहाँ पे ऐसे मिरर लगा हुआ है ऐसे करके, अब इसका इमेज देखिए जहाँ है इसके साथ सटा हुआ है, ये भी बाहर है तो बाहर। अब यहाँ पे भी बच्चों ऐसे मिरर रख दिया जाएगा, अब इसका देखिए इमेज कैसे बनेगा, ये पोर्शन अंदर है तो ऐसे अंदर ही होगा, और ये वाला पोर्शन देखिए बच्चों बाहर है तो बाहर ही रहेगा, तीर बाहर लगी जा रही है तो बाहर ही जाएगी। अब देखिए बच्चों इस टाइप के कौन सा ऑप्शन हमको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर देखिए इसमें क्या है, दोनों देखिए बच्चों ए में ए भी अंदर है, ए भी अंदर है, लेकिन इसमें हमारा क्या है, ये बाहर की तरफ है, इसलिए ऑप्शन ए नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दे करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, देखिए बच्चों यहाँ पे ये क्या है, एक आकृति ये दी गई है और इसका क्या है, ये मिरर इमेज। ठीक है बच्चों, अब यही है कि अब हमारा ये मिरर रखा, इस आकृति में तो यहाँ पे देखिए बच्चों अब मिरर कहाँ रखा जाएगा, यहाँ रखा जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ जब रखा जाएगा तो जो ऊपर वाली आकृति कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, और नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, तो ऊपर वाली बच्चों क्या है, पहले तीर सबसे नीचे से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये वाला पोर्शन देखिए ऊपर वाला जो है ऐसे करके ऐसे होके ऐसे 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 हो जाएगा, और देखिए ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा बच्चों, ऐसे करके इधर हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। देखिए बच्चों इस टाइप की कौन सी आकृति दिख रही है बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21, अब 21 में देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21, अब देखिए बच्चों यहाँ पे एक, अब इसका मिरर इमेज है, तो बच्चों देखो यहाँ पे भी इसका ऐसे करके रखा गया है। देखिए जो नीचे है क्या है, ऊपर चला गया है, जो ऊपर है वो नीचे आ गया है, टॉप टू बॉटम। तो यहाँ पे बच्चों इसका भी लगे मिरर यहाँ पे ऐसे रख देंगे तो क्या होगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे है ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब इसका इमेज हमारा इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए इस टाइप का कौन सा ऑप्शन हमारा दिख रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ए तो उसी टाइप का है, बी देखिए दोनों ए वाला पोर्शन ऊपर है और बाकी ये नीचे है, तो बी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं बच्चों, 22 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22। अब इसमें देखिए बच्चों एक त्रिभुज है, यहाँ पे कितना त्रिभुज हो गया है, दो त्रिभुज, इसका मतलब हमारा मिरर ऐसे करके रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे मिरर जब रखा जाएगा तो उसका जो दूसरा भाग है बच्चों, नुकीला भाग नीचे हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे बना है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है,
खटकोण कितने कितना कोण है, 6। अब यहाँ पे 2 हो जाएगा बच्चों, 2 को ऐसे कि जब यहाँ पे मिरर रखा जाएगा तो एक ऐसे होराकृति बन जाएगी, ठीक है बच्चों। और एक तो ऑलरेडी ही बना है ऐसे इस टाइप का, ठीक है। तो देखिए इस टाइप की कौन सी आकृति है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, एक पहले एक वृत्त है, उसके ऊपर क्या है, एक वर्ग है। अगले चित्र में क्या हुआ बच्चों, जो ये वर्ग है वो बीच में हो गया है और वृत्त को आधा आधा करके दोनों साइड उल्टा कर दिया गया है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, जो आयत है और इसके अंदर एक त्रिभुज है। अब आयत को क्या करेंगे बच्चों, आयत को छोटा सा ऐसे लगा देंगे, त्रिभुज को बीच से आधा कर देंगे। आधा करके बच्चों क्या करेंगे, देखिए आधा करने के बाद इस टाइप की आकृति बनेगी, ठीक है बच्चों। तो इसमें देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है बच्चों, देखिए जब बीच से कटेगा तो ये वाला पोर्शन दोनों क्या हो रहा है, बीच से कटने के बाद ऊपर नीचे हो जा रहा है। देखिए बच्चों क्या है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्यों नहीं होगा बच्चों, क्योंकि दोनों साइड क्या है, एक जैसी है। इसमें देखिए क्या है, ये वाला पोर्शन देखिए जब इसको बीच से काटेंगे तो उल्टा करेंगे तो एक भाग इधर चला आएगा एक भाग इधर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। देखिए बच्चों 24 में क्या है बच्चों, अंदर एक क्या है रंगीन भाग त्रिभुज है, उसके ऊपर क्या है एक वृत्त है और उसके ऊपर क्या है एक आयत है। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, वृत्त क्या हो गया है, गायब हो गया है, एक त्रिभुज है विदाउट रंगीन, रंगीन भाग खत्म कर दिया गया है, त्रिभुज है उसके ऊपर क्या है एक आयत है। अब यहाँ देखिए बच्चों क्या है, यहाँ भी एक वृत्त जैसा है, उसमें रेखाएं खींची गई हैं, छायांकित किया गया है, उसके ऊपर क्या है एक वृत्त है। अब वृत्त के ऊपर क्या है बच्चों, एक वृत्त के ऊपर क्या है बच्चों, एक वर्ग है। अब यहाँ पे हटाएंगे तो क्या बचेगा, एक वृत्त बचेगा जो छायांकित भाग हट जाएगा और उसके ऊपर क्या है बच्चों, एक वर्ग है। देखिए इस टाइप की आकृति कौन सी है बच्चों, इस टाइप की आकृति हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा बच्चों 24 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, देखिए बच्चों 25 में कौन सा ऑप्शन सही होता है। देखिए यहाँ पे एक आकृति दी हुई है, आयत दिया हुआ है, उसके आधे भाग को क्या किया गया है बच्चों, एक विकर्ण खींचा गया है। अब विकर्ण से देखिए बच्चों यहाँ पे इस टाइप की एक आकृति दी गई है ऐसे आयत। अब इसके आधे भाग से ऐसे एक विकर्ण खींचा गया है और इसके पूरे भाग को क्या किया गया है, ऐसे छायांकित किया गया है। अब देखिए और ऊपर जो बचा है आधा भाग, उसमें एक ऐसे वृत्त बनाया गया है और आधे भाग को उसमें भी छायांकित किया गया है। अब यहाँ पे एक क्या रखा गया है बच्चों, मिरर रखा गया है। अब जो ए वाला भाग है देखिए सटा हुआ है और ए वाला भाग उससे दूर हो गया है। अब यहाँ भी इस टाइप का होगा बच्चों, देखिए यहाँ पे ऐसे करके मिरर रखा जाएगा, जो ए वाला भाग है सटा रहेगा, मतलब यहाँ पे रहेगा। देखिए बच्चों ए वाला भाग यहाँ पर रहेगा और ऐसे करके आधा भाग छायांकित रहेगा और शेष बचा भाग बच्चों देखिए याला ऐसे यहाँ से ऐसे खींच के ऐसे करके बन जाएगा। देखिए बच्चों तब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों इसमें 25 में, देखिए बच्चों इस टाइप का। देखिए बच्चों इस टाइप की आकृति कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए बच्चों 26 में कौन सा ऑप्शन सही होता है। देखिए बच्चों 26 में क्या है, एक खटभुज है,
और ये दो खड़भुज है, आपस में क्या क्या किए गए हैं, छायांकित किए गए हैं। थोड़ा भाग दोनों में क्या है, ओवरलैप किया है। और इसमें बीच में भी देखिए बच्चों, दोनों भाग थोड़ा सा क्या किया है, ओवरलैप किया है। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, देखिए दो ठो वर्ग है, दोनों भाग क्या है आपस में ओवरलैप हुए हैं। तो अगला भाग क्या हो जाएगा बच्चों, अगला भाग क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा कि एक भुजा बढ़ रही है, एक भुजा बढ़ने पे एकदम वृत्त जैसा हो गया है। अब यहाँ भी एक भुजा बढ़ जाएगी तो कौन सा ऑप्शन आएगा बच्चों, यहाँ पे चार था तो क्या हो जाएगा, पंचभुज। अब दो ठो पंचभुज बनेगा तो कैसे बनेगा बच्चों, एक पंचभुज जो है वो बड़ा है और दूसरा वाला क्या है बच्चों, थोड़ा छोटा सा है। तो कौन सा दूसरा वाला चित्र क्या है बच्चों, थोड़ा छोटा है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है बच्चों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और इसमें बच्चे देखिए ऑप्शन नंबर डी इसलिए नहीं सही हुआ, जो पहली आकृति सब में क्या है बच्चों, बड़ी है और दूसरी आकृति छोटी है। तो इसमें भी देखिए पहले बच्चों बड़ी आकृति है तो दूसरा पहली बड़ी आकृति होगी, दूसरा क्या होगा छोटी है। इसमें क्या है बच्चों, पहली छोटी दे के दूसरा बड़ा किया है, इसमें पहली छोटी दे के दूसरा बड़ा किया है। उसमें देखिए बच्चों पहला बड़ा दिया है, दूसरा छोटा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 में कौन सा ऑप्शन सही होता है। देखिए बच्चों 27 में ये क्या है, एक ए टाइप बना है, उसमें क्या कर दिया गया है, एक ईंट जैसे बना दिया गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए आधा, इस आकृति में देखिए आधा वृत्त जैसा बना है। अब इसमें क्या क्या किया गया है बच्चों, अब इसमें इस भाग भाग में देखिए क्या हो जाएगा, दोनों की दिशाएं क्या है बच्चों, देखिए सेम ही है। तो इसमें पहले सेम दिशा वाला है और उसी उस आकृति का उस आकृति को पूरा करने वाला एक ऐसे ऐसे इसी टाइप का है बच्चों ना। तो इस टाइप का देखिए आप, इस आकृति को कौन सा सेम आकृति दिख रहा है, ये दिख रहा है, बीच में ऐसे करके एक गोला कर दीजिए, तो इस टाइप का हो जाएगा बच्चों। देखिए ऑप्शन नंबर इसलिए हमारा क्या होगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, एक आयत था। अब आयत में क्या कर दिया गया बच्चों, आयत को मिलाने आयत को क्या कर दिया गया, एक घना बना दिया गया है। एक आयत है, आयत ऐसे आयत है बच्चों। अब आयत को देखिए यहाँ से एक आयत और मिला के सब कोणों को आपस में मिला दीजिए ऐसे करके, तो क्या हो गया बच्चों, एक घनाभ हो गया। तो एक त्रिभुज दिया है, अब हमको एक त्रिभुज दिया है तो पूछ रहा है इसमें इससे रिलेटेड क्या होगा बच्चों, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम। अब यहाँ बच्चों देखिए इस टाइप का है, तो यहाँ पे हम एक ऐसे करके ऐसे यहाँ से खींच देंगे, तो क्या हो गया बच्चों, ये दो त्रिभुज हो गया। जैसे यहाँ भी दो आयत था तो दो आयत मिला के एक क्या बनाया गया, एक घना बनाया गया। अब यहाँ दो त्रिभुज देखिए, दो त्रिभुज मिला के सबको आपस में मिला दिया गया तो इस टाइप की आकृति बन गई पतंग जैसी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 में अब क्या क्या है, एक त्रिभुज है और सबको उन्हें पे क्या लगा है बच्चों, एक छोटा वृत्त जैसा लगा है। अब इसमें देखिए तो क्या हुआ बच्चों, त्रिभुज का क्या हो गया, एक वर्ग हो गया और जो बाहर लगा था सब में अंदर आ गया। तब इसमें देखिए बच्चों क्या है, एक त्रिभुज है और सब कोणों में क्या है, अंदर की तरफ है। तो इसमें त्रिभुज का क्या हो जाएगा बच्चों, आयत हो जाएगा, इस टाइप का ऐसे आयत हो जाएगा, सॉरी वर्ग हो जाएगा, चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। अब उसके जो अंदर यहाँ पे देखिए बच्चों, बाहर था तो अंदर हो गया, अब यहाँ अंदर है तो क्या हो जाएगा बच्चों, बाहर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अंदर है तो बाहर हो जाएगा, इस टाइप का ऐसे सब में क्या हो जाएगा, बाहर बन जाएगा।
तो कौन सा ऑप्शन इस टाइप का दिख रहा है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। अब एक क्या है बच्चों, एक चतुर्भुज टाइप की एक आकृति दी गई है। अब उसके आधे भाग को खींच के कलर किया गया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे भी क्या दिया गया है बच्चों, एक आयत जैसा दिया गया है। अब आयत के आधे भाग को रेखांकित करके अब उसमें क्या करना है बच्चों, आधे भाग को ऐसे खींचना है और आधी लाइन सीधी रहेंगे, आधी बेड़ी रहेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए बच्चों, इस टाइप की आकृति कौन सी दिख रही है? तो इस टाइप की आकृति बच्चों ऑप्शन नंबर हमको सी दिख रही है, जो क्या है, देखिए ए में क्या है बच्चों, ये वाले में आधा से ज़्यादा भाग क्या है कलर किया गया है, और आधा से कम भाग को विदाउट कलर छोड़ा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो गया। बी में भी देखिए बच्चों, पहले ऐसी ऐसी रेखाएं खींची गई हैं, लेकिन ऐसी ना खींच के पहले हमको इस टाइप की रेखाएं खींचना है। ठीक है बच्चों, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर सी देखिए बच्चों, पहले इस टाइप की आधी आधी रेखाएं खींची गई हैं, बाकी फिर इस टाइप की, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा।